बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मैं यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मॉल पे। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी जॉब से, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग कहीं घूमने फिरने जाएं। तो हम लोग आज बहुत सारी जगहों पर गए थे। चले लेट्स गो, आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ हम लोग गए थे आज। जी तो फिर अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं सबसे पहले मॉल पे, बल्कि मॉल पे पहुँच गए हैं हम लोग। और यहाँ पर भी काफ़ी रश था लोग, क्योंकि क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहे हैं, सो इसलिए इतना ज़्यादा रश था स्टोर पे। और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था मॉल को। और यहाँ से मैंने एक शूज़ का पेयर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी डील लगी हुई थी शूज़ पे। और मैंने अपनी बेटी के लिए एक शर्ट भी बाय की थी, वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी मुझे, विंटर के लिए ली थी। और ये देखिए, ये ओल्ड नेवी है और पीछे मार्क्स वगैरह था। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है ओल्ड नेवी पर। और आजकल तो सेल भी लगी हुई है क्रिसमस की वजह से, और काफ़ी रश होता है स्टोरों पे। चलो, ये है मॉल के एंट्रेंस, चले चलते हैं अंदर मॉल के। और यहाँ पर आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जहाँ तक हो सके हमें बात करते वक्त ये एहतियात रखनी चाहिए कि हमारी बात से किसी अगले बंदे का जो है दिल तो नहीं दुख रहा, दिल तो नहीं टूट रहा। बाज़ुकात हम लोग मजाक 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 में अगले बंदे का दिल दुखा देते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और एहतियात रखनी चाहिए। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगले बंदे का मजाक में दिल ना दुखाऊँ। हाँ, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं अगर किसी का दिल दुखा भी देती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूँ और उनसे सॉरी कह लूँ। और इसकी अच्छी सूरत जो है ये वो यही है कि आप अगले बंदे से सॉरी कह लें और उसको एक्सप्लेन कर दें कि मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मेरा मतलब ये नहीं था। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत से घर ऐसे हैं जो तबाह बर्बाद हो जाते हैं और इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो प्लीज़ दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही किया क्या करें कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें और अगले बंदे का दिल ना दुखाएं। और अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। और एनीवे गाइस, हम लोग ये आ गए हैं यहाँ पर। लाइटिंग बहुत अच्छी लगी हुई थी, उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ था क्रिसमस का ट्री, इसमें काफ़ी बड़ा था और ये छोटा सा लाइटिंग हाउस सा बनाया हुआ था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की लाइनें और काफ़ी रश लगा हुआ था। रश इसलिए लगा हुआ था कि यहाँ पर सेंथा जो है वो बैठा हुआ था, और बच्चे जो है इसके साथ बैठ के पिक्स बनवा रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गाइस, वो अंदर देखिए, वो बैठा हुआ है सेंटा। और यहाँ पर लाइन लगी हुई थी लोगों की, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। और जी तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं किसी के घर, किसी रिलेटिव्स के घर हम लोग गए थे। और यहाँ पर उन्होंने छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी थी अपने बेटे की, और यहाँ पर भी काफ़ी फन आया था। और यहाँ पर मैं आपको एक और टॉय दिखा रही हूँ, जो कि हैचमू के नाम से है। और ये देखिए, ये जो है ये एग के अंदर है और ये खुद ही हैच होगा। और इसको इसके ऊपर इसकी जो इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन पेपर इसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसको प्यार करें और इसको हाथ पर रखकर इसको प्यार करें, और ये साइड से इसको नीचे से रगड़ें तो ये अपने कलर चेंज करेगा, आवाज़ें निकालेगा, और हाथ फेरें इसके ऊपर प्यार प्यार से। ये देखें बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको उठा कर रखें।
ये फिर अंडे में से ये निकलेगा, हैच होगा, ये देखें इसको। काफ़ी देर लगे रहे बच्चे, 20 से 25 मिनट तक इसको करते रहे, तो फिर इसने ये हैच होना शुरू हो गया, और हैच होते होते ये ना सो गया। जैसे सो नहीं जाता, ये वैसे ये सो गया था। और फिर उन्होंने इसको उठा के रब किया और प्यार किया, तो ये फिर इसने ब्रेक होना शुरू कर दिया था। और ये देखिए इसकी आइस के कलर चेंज हो रहे हैं, और काफ़ी डिफरेंट सा ट्राई है। और यहाँ पर जो है बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के लोगों को पता होगा, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ये। और देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसा ऐसा ये अपनी चोंच मारता जाएगा और ये ब्रोक होता जाएगा, इसका जो एग है हैच होता जाएगा। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं इसके साथ, इसने हैच होना बंद कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये स्लीप हो गया, और इसको वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाओ और इसको ब्रेक करो। ये यहाँ पर वो सो गया, ये देखिए इसकी आइज की लाइटें जो है वो भी बंद हो गई हैं। और फिर इंस्ट्रक्शन पेपर से उन्होंने पढ़ा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे करना है, तो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको उठा के और नीचे से इसको रब करे तो ये फिर उठ जाएगा और ये फिर ब्रोक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए राइसिंग यहाँ पर जो है उसने फिर ब्रोक करना शुरू कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा करती है। फाइनली ये हो गया है, और ये देखिए वो रब कर रहा है बच्चा। काफ़ी अच्छा वर्ड था ये, वो कॉपी तक कॉपी करता था, जो आप बोलते थे वही बोलता था ये। और जब इसको निकाला हुआ है तो इसने कहना शुरू कर दिया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। काफ़ी अच्छा था ये, देखिए बहुत खूबसूरत है, देखिए बहुत क्यूट सा है ये बर्ड। ये तो ऐसे ये देखें, ये वो टॉय निकला है के अंदर से, देखिए कितना क्यूट है ये। और ये है, ये बहुत ही पसंद आया था, इस बच्चे का बहुत फेवरेट था। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लिप है, ये हमारे घर में दावत गेट टुगेदर था, और हम लोगों ने अरबी राइस बनाए थे जिसमें बहुत ज़्यादा नट्स डाले थे और बीफ डाला था, और मुख्तलिफ तरह के हम लोगों ने कबाब्स बनाए थे इसके साथ, जिसमें बीफ के कबाब थे और चिकन के कबाब थे, और साथ हम लोगों ने बनाया था योगर्ट, और साथ में बनाया था हम लोगों ने दाल और सैलड था। और ये हम लोगों ने अरबी प्लेटर बनाने की कोशिश की थी, और ये बहुत पसंद आया था सबको। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।